दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ड्रिल मशीन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जिसे हमने बिल्ड स्किल प्रो की वेबसाइट से परचेज किया हुआ है। अब यहाँ पर इसमें किस टाइप की वो मशीन है और उसका पावर कितना है और उसके बारे में कुछ डिटेल से आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप इसे परचेज भी करना चाहते हो उसके बारे में आपको डिटेल से मैं बता दूंगा। अब सबसे पहले यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे मैंने कट कर लिया है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने पैक करके भेजा हुआ है, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन में टूटने या फिर इसमें कोई भी डैमेज होने का खतरा नहीं है। फाइनली इसे हमने अनबॉक्स कर लिया है। अब इसके साथ साथ हमें क्या क्या मिलता है आपको पूरा यहाँ पर दिखाता हूँ। एक छोटी सी ड्रिल और यहाँ पर बॉक्स में कुछ नहीं, इसको रखते साइड पे, और ड्रिल के साथ एक चक दिया हुआ है और यहाँ पर इसकी चाबी है साथ में और क्या क्या है, हाँ कुछ बिट यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले इसे मैं पन्नी से निकाल लेता हूँ। और इसमें जो चक इस्तेमाल किया गया है वो आपका 1.5 से 10 mm मैक्सिमम यहाँ पर है, यानी कि 10 mm की बिट आप इसमें मैक्सिमम लगा। इसके वेट की बात करूँ तो लगभग 2 किलो के समथिंग इसका वेट है, बाकी ज़्यादा नहीं, बस 2 किलो तक। और इसके रैपर यानी कि पैकेट पर भी लिखा हुआ था 2 किलो लगभग। इसमें आप चक को लगाने के लिए इसे क्लॉक वाइज आप घुमाते जाएंगे तो यहाँ पर ये ईजिली फिट हो जाता है। तो ये फिट हो चुका है एंड यहाँ पर साथ में इसमें क्या क्या बिट हमें मिलती हैं चलिए वो भी देख लेते हैं। अब बात करता हूँ बिट की, तो इसमें 7 बिट हमें मिलती हैं, 6 छोटी वाली और 1 बड़ी वाली। ये कितने एमएम की है, ये 6.5 mm की बिट। आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं 6.5 mm की। इनमें भी लिखा है या फिर नहीं, नहीं लिखा हुआ है, ये समथिंग 1.5 से 2 mm तक की यहाँ पर बिट हैं अंदाजे से। और यहाँ पर जो ये बिट हैं सभी लोहे को यानी कि लोहे पे होल करने वाली है, यानी कि आयरन पे आप होल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये बड़ी वाली बिट है ये पत्थर पे होल करने के लिए इसका जो टॉप यहाँ पर दिया हुआ है वो उसी हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि ये पत्थर वाली एंड ये लोहे वाली। अब यहाँ पर सबसे पहले और भी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, इसके चक की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड यहाँ पर चलिए मैं इस तरीके से इसको लगा देता हूँ। तो फाइनल ये चक लग चुका है, अब यहाँ पर इसे आप कर सकते हैं इस तरीके से। एंड एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आपको मैं, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये सिर्फ एक ही रोटेशन पर चलती है, यानी कि आपका इस तरीके से, यानी कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक नहीं घूमती है। अगर आप इसे एज स्क्रू ड्राइवर यूज करना चाहेंगे तो वो आपका नट तो कस जाएगा बट नट खुलेगा नहीं। एंड यहाँ पर चलिए चेक करके पता चलेगा इसमें कौन सा स्विच इस्तेमाल हुआ है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर सारी की सारी इसके वायर को खोल के और इसे पावर दे देता हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पर इसे पावर दे दिया। यहाँ पर जो स्विच इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर कंट्रोल वाला नहीं है, मतलब आप दबाएंगे तो एक ही स्पीड यहाँ पर देगा। देखिए इसे आप होल करने के लिए या फिर इसके आगे कटर वगैरह लगा के उसको किसी भी चीज़ को कट करने के काम पे लेके आ सकते हो। इसके बिट मिल जाती है, इसके खांचे मिल जाते हैं जिससे आप इसको कटर भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ये तो पता ही होगा क्या चीज़ है, चलिए मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। चलिए उससे पहले आपको इसकी इसकी स्पीड दिखा देता हूँ, शायद आपको यहाँ पर नहीं दिखवाई बट मैं आपको दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों प्राइस इसके अप डाउन होते रहते हैं। जिस टाइम पे मैं अगर प्राइस की बात करूँ तो उस टाइम पे हो सकता है अलग प्राइस हो और जिस समय आप चेकआउट करें उस समय अलग प्राइस हो। आप एक बार ज़रूर देखिए वेबसाइट पे, अगर आपको पसंद आती है प्राइस आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसे परचेज कर लीजिए। अब यहाँ पर इसे मैं आपको खोल के इसकी क्वालिटी भी एक बार दिखा देता हूँ, इसकी जो इसके अंदर आर्मेचर यूज हुआ है वो भी आपको मैं पूरा पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसके सारे स्क्रू मैंने ओपन करने होंगे। फाइनली इसके स्क्रू खुल चुके हैं, अब यहाँ पर से मैं निकाल लेता हूँ। एंड यहाँ पर ये इसका स्विच है, अगर आपने नहीं देखा पहले तो देख लीजिए, ये कार्बन ब्रश है और उसके बीच में आर्मेचर रहता है ये वाला, और उसके बाहर एक अलग से बाइंडिंग रहती है जो इसको टॉर्क या फिर पावर देने का काम करती है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो इस तरीके से ये देखिए ये वाली, ये बीच का आर्मेचर है। चलिए इसको मैं फ्रंट साइड से भी खोल के आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर ये स्क्रू खोलने पड़ेंगे। चलिए तो दोस्तों फाइनल ये खुल चुका है, चलिए मैं इसको पुल करके खींच लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिएगा इस तरीके से खुल जाता है। एंड यहाँ पर ये आर्मेचर है, इसमें आर्मेचर कौन सा यूज हुआ आप देख सकते हैं, ये
ये वाला आर्मेचर है एंड यहाँ पर इसकी वाइंडिंग है। देखिए यहाँ पर इसकी वाइंडिंग है और ये आपका कार्बन ब्रश मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर एक कार्बन ब्रश यहाँ पर इसके अटैच है अभी। और यहाँ पर ये बैरिंग इसको फास्ट चलाने के लिए मदद करती है, पता ही आपको। एंड यहाँ पर चलिए इसे भी मैं एक बार मैं खोल लेता हूँ, ये खुलता कैसे है। चलिए यहाँ पर इस तरीके से है, ये खुल जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं। तो फाइनली ये हमारा खुल चुका है और इसका लॉक है। चलिए ये अभी लगा लेंगे हम। आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये देखिएगा पूरा आपको मैंने दिखा दिया मशीन के अंदर क्या क्या, पूरा एक एक पार्ट खोल के आपको दिखा दिया। अब मैं यहाँ पर इसे असेंबल कर लूँगा, खोल तो दिया बट असेंबल कैसे करूँ, चलिए कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों अब इसे हम असेंबल कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इस जगह पर फिट हो जाएगा, आसानी से फिट हो जाता है। और यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें ऊपर से हल्का सा मार सकते हैं तो ये आसानी से यहाँ पर फिट हो गया। एंड जो नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट है इसका, हाँ ये वाला, ये आपका इस जगह फिट हो जाएगा इस तरीके से, ये आपका इस जगह फिट हो जाएगा। अगर आपको कभी ऐसे फिट करने का या फिर खोलने का मौका मिले तो आप इस तरीके से कर लीजिए। तो यहाँ पर ये फिट हो चुका है एंड अभी स्क्रू कसना नहीं है, अभी यहाँ पर और भी हमारा बहुत सारा काम है। उससे पहले यहाँ पर इसके खांचे को अच्छी तरीके से हम बैठा देते हैं इस तरीके से, और बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर बैठना चाहिए। अगर आप गलती से इसको इधर उधर बैठाते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से बैठा दीजिएगा इस तरीके से। फाइनली ये बैठ चुका है। अब यहाँ पर इसका ये जो नेक्स्ट पार्ट, हाँ ये इसके इस जगह पे लगा हुआ था इस तरीके से, शायद इस तरीके से, हाँ इस तरीके से ये लगना है यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ था। हाँ ठीक है, फिट है। एंड इसको हम लगा लेते हैं बिल्कुल जस्ट इसके इस जगह पे। तो फाइनली ये लग चुका है बट यहाँ पर अभी और भी काम हमारा बचा हुआ है। ये है हमारा ये कार्बन ब्रश का, तो अभी कार्बन ब्रश भी कहते हैं काफ़ी सारे लोग, इसे कार्बन ब्रश भी कहते हैं। अभी यहाँ पर क्या करना है, कार्बन ब्रश की इस रॉड को आपने इस तरीके से खींच लेना है और इसको भी आपने इस तरीके से खींच लेना है और दोनों ब्रश को आपने बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को इस जगह पे आपने फिट करना है और उससे पहले यहाँ पर जो ये लगा हुआ था ना, चलिए इसे हम फिट कर लेते हैं। हो सकता है कैमरा आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा हो बट आपको क्लीन करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल खांचे बने हुए, बिल्कुल जस्ट इस तरीके से ये लग जाएगा। ये देखिए ये लग चुका है, फिट है। एंड अब इसको हम बिल्कुल इसी टाइप से लगा लेंगे तो हमारा ये फिट हो चुका है, देखिए थोड़ा सा। चलिए एंड अगर फिट नहीं होता तो आप इसे थोड़ा सा हिला लीजिए इस तरीके से, देखिए। तो अब यहाँ पर स्क्रू लग जाएंगे हमारे, तीन जो हमने निकाले हुए थे वो इस तरीके से फिक्स हो जाएंगे। तो फाइनली मैं स्क्रू लगा के आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली स्क्रू लग चुके हैं। अब यहाँ पर इसके चक को इस तरीके से हम लगा लेते हैं क्लॉकवाइज, बिल्कुल देखिए यहाँ पर घूम रहा है, आपको मैं दिखाऊँ एक बार, देखिए बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर लग चुका है, देखिए। अब यहाँ पर बात आती है कार्बन ब्रश को फिट करने की। ये आपके कार्बन ब्रश को अटैच करने वाले वायर हैं और ये आपका ट्रिगर है, इसको रखते साइड पे। अब यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें लेफ़्ट और राइट का कार्बन ब्रश आपने लगाना है। तो यहाँ पर जो खांचा बना हुआ है इसमें इस तरीके से आपने अटैच कर लेना है इस वाली पत्ती को एंड इस तरीके से आप कार्बन ब्रश को लगा लीजिए। एंड इस तरीके से आपने प्रेस करके, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपने प्रेस करके यहाँ पर इस खांचे में इसको लगा लेना है या बैठा देना है इस तरीके से, फिट हो जाएगा। और कार्बन ब्रश देखिए, ये देखिए इस तरीके से फिट आर्मेचर के साथ हो जाएगा, देखिएगा बिल्कुल फिट ये हो चुका है। चलिए अब दूसरा वाला लगा लेते हैं। दूसरे वाले में भी वही मेथड अपन ने करना है। ये देखिए ये आपका गिट्टी है या फिर इसका जो सांचा है वो समझ लीजिए, इस तरीके से इसको लगा लेना है। एंड ये आपका कार्बन ब्रश है, इस तरीके से आपने इसको एक मिनट प्रेस करके रखना है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर उसे इस तरीके से फिट कर लेना है। पहले इसकी वायरिंग को मैं इस तरीके से
बिल्कुल फ्री कर लेता हूँ। देखिए ये आपका इस जगह फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल फिट है। देखिए दोनों कार्बन बूस यहाँ पर फिट हो चुके हैं आर्मेचर के साथ में, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं इसको घुमाता हूँ, ये देखिएगा। और स्विच को इस जगह पर आपने फिक्स करना है, ये आपका स्विच का, हाँ एक मिनट, इस तरीके से प्रेस होगा तो यहाँ पर फिट होगा स्विच, बिल्कुल ईजी है। ये देखिएगा ये आपका स्विच भी लग चुका है, और यहाँ पर इसकी वायरिंग को आप इस तरीके से दबा दीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट हो चुका है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जितने भी यहाँ पर वायर हैं इनको, ये जो खांचे बने हुए इनके आसपास नहीं लाना, बिल्कुल कॉर्नर से आपने ले जाना है इस तरीके से, ताकि ये वायर जब हम स्क्रू वगैरह कसें तो इस जगह पर ना लगे। एक चीज़ ये ध्यान देनी है, और दूसरा यहाँ पर कटे ना, बस इसी चीज़ का आपने ध्यान देना है, बाकी ये फिक्स हो चुका है। तो चलिए इसको मैं जल्दी से इसके कैप को लगा लेता हूँ यहाँ पर, और परफेक्ट तरीके से फिट आ चुका है, देख सकते हैं आप। ये देखिए फिट आ चुका है, अब मैं स्क्रू लगा लूँगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसकी फिटिंग कर ली है, अब आपको ये टेस्ट करवा के दिखा देता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं कितना तगड़ा यहाँ पर घूम रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा। अगर इसे परचेज करना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।